भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता किसान मोर्चा के महामंत्री संजीव देष्टा ने की। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में किसानों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए उचित प्रबंध सरकार के द्वारा किए गए। उन्होंने कहा कि किसान और बागवानों की समस्याओं को प्रदेश की सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर हल किया है। उन्होंने कहा कि आज के समय में किसानों को सब्जियों के दाम बहुत अच्छे मिल रहे हैं, उनकी आर्थिकी सुदृढ़ हो रही है। संजीव देष्टा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की आय दुगनी करने का जो सपना दिखाया था, उसे साकार करने के लिए वे पुरजोर कोशिश की जा रही है, जिसमें उन्हें सफलता भी मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर 6-7 को जनेड़ घाट में आवासीय बैठक का भी आयोजन किया जाएगा। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, संगठन मंत्री पवन राणा, कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर, बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर आदि शामिल होंगे। संगठन को मजबूत करने की रणनीति के लिए यहां बैठक आयोजित की जा रही है। उन्होंने बताया कि किसान मोर्चा किसानों के हितों के लिए क्या कर रहा है और क्या उसकी उपलब्धियाँ रही हैं, इस मुद्दे पर भी रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष के समक्ष रखी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान राजकुमार चाहर जी का हिमाचल दौरा 6-7-8 जुलाई को हिमाचल में होना निश्चित हुआ है, जिसमें 6 और 7 तारीख को भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की शिमला जिला के जनेड़ घाट, जो कुफरी के नज़दीक पड़ता है, वहाँ पर 2 दिवसीय आवासीय बैठक होनी है। इस बैठक में विशेष रूप से हमारे माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी का हमें मार्गदर्शन मिलने वाला है। उनके अलावा भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष श्री सुरेश कश्यप जी, संगठन महामंत्री पवन राणा जी, कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर जी, बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर जी, शहरी विकास मंत्री एवं शिमला के वरिष्ठ नेता श्रीमान सुरेश भारद्वाज जी और उनके अलावा संगठन के वरिष्ठ नेतृत्व वहां पर किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे। और इस बैठक में संगठन को मजबूत करने के लिए और किसान मोर्चा पूरे प्रदेश में जिस तरह से किसानों के बीच जाकर सरकार से संबंधित जो भी नीतियां बनती है, जो भी योजनाएं बनती है, चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे प्रदेश सरकार की हो, उसका अपना जो रिपोर्ट कार्ड अपने नेतृत्व के आगे रखेगा और हमारी किसान मोर्चा की प्रदेश में अंदर क्या गतिविधियां चल रही है, इन सभी विषयों को लेकर चर्चा होगी। और जिस तरह से मैंने कहा कि हमारे सरकार के मंत्रीगण उसमें आने वाले हैं, सरकार की क्या गतिविधियां चल रही है, उन गतिविधियों को किसानों के बीच जाकर किसानों को उसका कैसे लाभ मिले, ये सारा विषय वहां पर रहने वाला है।